जिला जींद के गांव ईगरा की विवाहित सुनीता ने नारी सशक्तिकरण में एक मिसाल पेश की है। सुनीता ने सोनीपत के मूर्तल से ट्रेनिंग लेकर न केवल स्वयं स्वावलंबी हुई है अपितु अन्य महिलाओं को भी रोजगार देकर उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही है। अपने घर में ही मशरूम उगाकर उसके उत्पाद तैयार कर बाजार में बिक्री कर अच्छी खासी कमाई कर रही है। उसने आज एक विशेष भेंट में बताया कि उसे शुरू से ही लगन थी कि वह अपने पति का हाथ बटाए, इसलिए उसने ठान लिया कि वह अपना रोजगार करेगी। इसके लिए उसने सोनीपत के मूर्थल व बागवानी विभाग जींद से अचार एवं मुरब्बा बनाने की ट्रेनिंग ली व जिला के गांव किनाना में एक लघु इकाई स्थापित की और मशरूम से भुजिया अचार मुरब्बा इत्यादि उत्पाद तैयार किए। उसने बताया कि मशरूम के उत्पाद अन्य उत्पादों की अपेक्षा अत्यधिक पौष्टिक होते हैं, इसलिए मार्केट में इसकी डिमांड अधिक रहती है। मशरूम का काम करते हैं जी, मशरूम उगाते हैं और मशरूम के प्रोजेक्ट बनाते हैं। मशरूम से जी हमारे प्रोजेक्ट 56 प्रोजेक्ट हैं, लड्डू से लेकर रसगुल्ले तो मिठाइयाँ हैं, नमकीन है, टेस्टी है, हमारे प्रोजेक्ट सारे मशरूम से जी। हमने मशरूम उगाने की ट्रेनिंग ली थी मूर्थल से और हमने जो यो मिठाई है ये हमारी खुद की ट्रेनिंग है जी, इसमें हमने किसी की कोई मदद नहीं है, ये हमने खुद से अपने आप दिमाग ने काम करा, दिमाग ने सीखे जी। हमारे साथ 6 महिलाएं जो हैं उनको रोजगार दे रखा है और काम ऐसा है जी, देखो काम बढ़िया है जी। मैं देना चाहेंगे कि जो महिला है जो घर ठाली है जिसके काम है वे तो कर नहीं सकती, जो ठाली हैं वे अपना रोजगार कर सकती हैं, वे कहीं भी जाके जिसके जो भी नज़दीक पड़ता है वहाँ ट्रेनिंग लो, वहाँ उसको ट्रेनिंग मिलेगी। अचार की भी मिलती है, मुरब्बा की भी मिलती है और मशरूम उगाने की भी ट्रेनिंग मिलती है। वहाँ ट्रेनिंग लेके ने वो अपना रोजगार अपने घर में एक कमरे में भी कर सके जी। उसने बताया कि वह महिलाओं को कहना चाहती है कि महिलाएं अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, इसलिए वो स्वावलंबी होएं और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आज प्रकाश टीवी के लिए जींद से राजेश रावल की रिपोर्ट।